खबर है जहां पूर्व सीएम चंपाई सुरेन की तबीयत बिगड़ गई है। बता दें कि टीएमएच अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की देखरेख में चंपाई सुरेन का इलाज चल रहा है। शुगर लो होने के चलते तबीयत बिगड़ने की बात कही जा रही है। चंपाई सुरेन को मुख्यमंत्री हेमंत सुरेन के बरहेट विधानसभा में जनसभा करनी थी, लेकिन अब टीएमएच अस्पताल से चंपाई सुरेन बरहेट की जनता को ऑनलाइन संबोधित करेंगे। तो तबीयत खराब हुई है पूर्व सीएम चंपाई सुरेन की। अभी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। बताया जा रहा है कि एक जनसभा को संबोधित भी करना था। आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। आशीष, कैसी तबीयत और क्या हुआ चंपाई सुरेन को? जी, आपको बता दूं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अचानक से तबियत खराब हो गई। उसका आनंद उनको सरायकेला से जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि डॉक्टर की 4 सदस्यीय टीम जो है उनकी इलाज लगातार जारी है। जैसा कि बातें सामने आ रही है कि शुगर अप डाउन होने के चलते उनकी तबियत अचानक से खराब हुई, उसके बाद उनको टीएमएच अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। वहीं आपको बता दूं कि आज उनके झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा बरहेट कार्य में जाना था और वहां जनता को संबोधित करना था और वो कार्यक्रम पूरी तरह से तैयारी हो चुकी थी। अचानक से सुबह ये इनकी तबियत बिगड़ी चंपाई सोरेन की, जिसके बाद उनको टीएमएच में ला के भर्ती कराया गया। मगर जिस तरह उनके बातें सामने आ रही है कि वो डायरेक्ट ऑनलाइन फोन से बरहेट की जनता को संबोधित करेंगे, कहीं ना कहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा में आज उनका कार्यक्रम था वो काफी अहम माना जा रहा था, मगर अचानक से चंपाई सोरेन की तबियत बिगड़ती है और उनकी तबियत बिगड़ने से उनको टीएमएच में भर्ती कराया गया। मगर वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, फोन में उन्होंने कहा है कि फोन में वहां की जनता को संबोधित करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। धनबाद से बड़ी खबर है जहां झारखंड कांग्रेस में टिकट को लेकर के बवाल हो गया। जनसंवाद कार्यक्रम अखाड़ा बन गया। कांग्रेस के समर्थक कांग्रेस नेताओं के सामने ही भिड़ गए। कुटकी में चुनाव अभियान समिति सदस्य के मंच पर बुलाने पर प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने विरोध किया। सबसे हैरत की बात यह है कि जब यह हंगामा हो रहा था उस दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय भी कार्यक्रम में मौजूद थे। हालांकि मामला थोड़ी देर बाद शांत जरूर हुआ और इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने सफाई भी पेश की। तो जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान यह कार्यक्रम अखाड़ा बन गया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के समर्थक कांग्रेस नेताओं के सामने ही भिड़ गए। पुटकी में चुनाव अभियान समिति सदस्य के मंच पर बुलाने पर प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने इसका विरोध किया। सबसे हैरत की बात रही कि जब यह हंगामा हो रहा था उस दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय भी कार्यक्रम में मौजूद थे। तो बेरोजगारी के अलावा हम लोग पलायन के खिलाफ भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा की जो कुव्यवस्था है उस कुव्यवस्था के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपराध के खिलाफ भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ तत्वों को ये बात पसंद नहीं आ रही है। हम जनता के बीच में खाली पहुंच जाए तो माला पहने, भाजपाई लोग को कहीं जगह रखने, पैर रखने की जगह नहीं मिलती। तो देखिए, धनबाद से खबर जहां जनसंवाद कार्यक्रम अखाड़ा बन गया। कांग्रेस के अंदर जो अंतर कलह है वो नजर आ रही है, खास करके टिकट को लेकर के बवाल हो रहा है। आपस में ही गुटबाजी चल रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये नुकसान कांग्रेस को ही पहुंचाएगा, पार्टी को पहुंचाएगा। विधानसभा का चुनाव है और चुनाव के पहले ही ऐसे अंतर कलह देखने को मिल रहे हैं जहां पर शीर्ष नेता के सामने ही ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। संजय गुप्ता हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, कांग्रेस के अंदर की ये अंतर कलह क्या नहीं लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में इसका बड़ा नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है? अंतर कला अब सामने उभर कर आ रही है, जो चुनाव की तैयारी को लेकर प्रत्याशियों को एक मुस्त करने के एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता, वो धरातल में अब दिख नहीं रही है। कांग्रेस के नेता जो टिकट खिंचा रख रहे हैं उनके समर्थक जो है तो मंच में केंद्रीय कांग्रेस कमेटी के सामने ही भिड़ जा रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, मुक्केबाजी कर। कल सबसे पहले बाघमारा में जनसंवाद लक्ष्य कार्यक्रम रखा गया था जहां के जलेश्वर महतो तो रोहित यादव समर्थक मिल गए और फिर कुटकी में भी यही स्थिति देखने को मिली जहां जनसंवाद कार्यक्रम एक आग रूप में तब्दील हो चुका है। जिन प्रत्याशियों को चयन के लिए राजनीतिक किया जा रहा है, जनसंवाद किया जा रहा है, वही मयूर शेखर के मंच पे चढ़ते ही
जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल युवा प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज जो है तो विरोध जताया है। बिल्कुल, तो बड़े नेता सामने रहे, उनके सामने ये सब कुछ होता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। झारखंड में शुरू हुई हौसले और ढकोसले की राजनीति, जेएमएम ने पोस्टर जारी कर बीजेपी से सवाल पूछ डाले हैं। कहा हेमंत सरकार ने हौसला दिया और बीजेपी बस ढकोसला देती है। रांची के बाजारों में लगे पोस्टर, कहा 15 लाख रुपए खाते में आए क्या, महंगाई कम हुई क्या, बुलेट ट्रेन चली क्या, 100 स्मार्ट सिटी बनी क्या, ऐसे कई सवाल इसमें रखे गए हैं। काला धन वापस आया क्या, ये भी सवाल इस पोस्टर के जरिए उठाए गए हैं। चुनाव की तैयारी चरम पर है और इस तैयारी के बीच दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से सवाल करने लग गई है। जब भाजपा ने ये सवाल किया कि मिला क्या, कैंपेन शुरू किया, तो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का पोस्टर आप देखिए कि रांची के चौक चौराहा और सड़कों पर ये ढकोसले की पोस्टर जो है वो शुरू हो गई। यानी हेमंत सरकार ने दिए हैं हौसले और भाजपा सरकार ने दिए बस ढकोसले। ये पोस्टर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे द्वारा रांची के शहरों पर चौक चौराहों पर लगाए गए हैं और कई तरह के सवाल जो है वो पूछे गए हैं। इनमें सवाल पूछे गए हैं कि 15 लाख रुपए खाते में आए क्या, महंगाई कम हुआ क्या, बुलेट ट्रेन चली क्या, स्मार्ट सिटी बना क्या, काला धन वापस आया क्या, देश के ऊपर ऋण भार कम हुआ क्या, किसानों के आय में वृद्धि हुई क्या। ये तमाम सवाल जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा से ही चौधरी करने लग गई है, क्योंकि भाजपा ने पहले मिला क्या क्या कैंपेन शुरू किया और उसके जवाब में अब राजधानी रांची के सड़कों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये पोस्टर देखने को मिल रहा है। गौरव झा, न्यूज 18 रांची। वही अब इस मामले पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस बीजेपी से सवाल कर रही है तो बीजेपी ने भी पलटवार किया है। सवाल पूछा है, जवाब दें। केंद्र की सरकार 11वें साल में प्रवेश कर गई है, जिन बिंदुओं को आज उठाया गया है आज जनता भी पूरी तरह से नकार रही है इनको। इनके जुमले, इनके बातें, इनके वादों पर कोई अब विश्वास नहीं करता। अब ये जाएंगे गांवों में, कहीं भी जाएंगे, लोग पूछेंगे उनसे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावों में वादे करती है और जब चुनाव बीत जाते हैं तो उन वादों को भूल जाती है और जिसके साथ वो वादे करती है उसी के साथ वो प्रपंच करती है, धोखा करती है, साजिश करती है, षड्यंत्र करती है। हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन हिम्मत किसको है? हिम्मत है भ्रष्टाचारियों को, हिम्मत है घोटालाबाजों को, हिम्मत है अपराध कर्मियों को। ये हिम्मत उनको मिल रहा है, आम जनता को कोई हिम्मत नहीं है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। एक तरफ जेएमएम ने जहां पंच प्रण को बीजेपी का प्रपंच बताया तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर तंज कसा है। कुछ नहीं मिलने जाना है, 2022 तक घर देने की बात थी, 2024 आ गया, जवाब दें आप क्यों नहीं दे पाए, किसने रोक रखा था आपको? अब ये बोलते हैं बाहरी को नौकरी नहीं देंगे, बाहरी को तो आपने मुख्यमंत्री तक की कुर्सी दे दी थी, इस बार फिर मौका मिलेगा, फिर आप वही प्रयास करेंगे। आपके एजेंडा में, प्राथमिकता सूची में न झारखंड है न झारखंडी है। देखिए, जो राजनीतिक दल को किस्तों में अपना घोषणा पत्र जारी करना पड़ रहा हो, जब देश के प्रधानमंत्री दो दो बार झारखंड का दौरा कर गए, कई मुख्यमंत्री झारखंड के दौरे कर गए, उसके बावजूद अगर किस्तों में आप घोषणा पत्र निकाल रहे हो तो ये समझा जा सकता है कि आपकी मनोस्थिति, आपकी वस्तु स्थिति और आपकी परिस्थिति। आप उसका नाम देखिए, जेएमएम वाले कुछ वो दे सकते हैं भाई, दे ना, उनके देने से क्या होता है? बोला ना, ये मोदी की गारंटी है जो फेल नहीं होती है। मोदी ही तो एकमात्र ऐसा देश का प्रधानमंत्री है जो कोई बात बोलता है तो सोच समझ कर बोलता है। ओडिशा के राज्यपाल जमशेदपुर पहुंचे, रघुवर दास 6 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर पहुंचे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। रघुवर दास 6 दिवसीय दौरे के दौरान कई कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो 6 दिवसीय दौरा जमशेदपुर में, बता दें कि पूजा पंडाल का उद्घाटन और अन्य कार्यक्रम में भी शामिल होना है। तो ओडिशा के राज्यपाल
जमशेदपुर पहुंचे हैं। जमशेदपुर से खबर, जहां रघुवर दास का यह कार्यक्रम, कई कार्यक्रमों में उन्हें हिस्सा लेना है। इसमें पूजा पंडाल का उद्घाटन और अन्य कार्यक्रम भी शामिल हैं। खबर गुमला से, जहां बसिया प्रखंड के बागमुंडा ढाबा में सिसई विधानसभा के चारों प्रखंड के गठबंधन नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में वर्तमान विधायक के जिग्गा सुसारन होरो को लेकर चर्चा की गई और उम्मीदवार बदलने की मांग की गई। सिसई विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक हैं श्री जिग्गा सुसारन होरो जी, उसको बदलने की मांग हुई, क्योंकि गठबंधन के तहत वो जीते हैं और गठबंधन के कोई भी कार्यकर्ताओं का उन्होंने कोई काम नहीं किया है। जिनमें प्रत्याशी को बदलने की संबंध है, तो इसमें चर्चा हुआ चारों प्रखंड के अगुआगन का, अभी का कहना है कि गठबंधन से ही चुनाव को हम लोग समर्थन करेंगे, लेकिन प्रत्याशी को बदला जाए। सिसई विधानसभा जिग्गा मुंडा जी अपना विश्वास खो चुके हैं, इसलिए हम लोग गठबंधन से आग्रह करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि सिसई विधानसभा क्षेत्र से एक नया चेहरा, नया उम्मीदवार दे। अब आपको राजधानी रांची लेकर चलते हैं, जहां अपनी मांगों को लेकर मोरहाबादी मैदान में वैश्य मोर्चा चेतावनी महाधरना पर बैठा है और ओबीसी को 27% आरक्षण वैश्य आयोग गठन की मांग कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि अब तक पिछड़ों के साथ छल किया जा रहा है, वैश्य यहाँ 40% आबादी है, उनको दरकिनार किया जा रहा है, इसीलिए आज हम लोग चेतावनी महाधरना हम लोग यहाँ पर रखे हैं। बोकारो से बड़ी खबर, जहां बाइक में टक्कर के बाद विवाद हो गया, चाकू मारकर युवक को घायल कर दिया गया। घायल अंकित की हालत गंभीर है, आईसीयू में भर्ती कराया गया है। छुट्टी में घर लॉ का छात्र अंकित आया हुआ था। इलाके में तनाव है, पुलिस कैंप कर रही है। माराफारी के आजाद नगर में इस वारदात को अंजाम दिया गया। जब हम लोग रुके तो हम लोग के पास आया और आगे ही डायरेक्ट हाथ उठा दिया, फाइट फाइट मारने लगा मेरे दोस्त को। और उसके बाद फाइट फाइट मारने के बाद हम लोग भी उतरे, हम लोग से हाथापाई हुआ। हाथापाई करते करते जब हम लोग से नहीं सका दोनों से, तो चाकू निकाल दिया और चाकू निकाल के वो अंधुकी भाजने लगा और भाजते भाजते अंकित को घायल कर दिया। बगल में यहाँ लोग चाकू से उसको दो चाकू मार दिया, असलम गुमटी के पीछे चाकू मारने का कारण कुछ नहीं था, दमंगई ये चलता है। और इस संबंध में हम लोग प्राथमिकी दर्ज किए हैं, लड़का का पहचान कर लिया गया है और उसको हम लोग तुरंत गिरफ्तारी करेंगे। खबर साहिबगंज से, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 930 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि ये ब्राउन शुगर है, जिसे बेचने के लिए राजमहल ले जाया जा रहा था। डिक्की में पिछले सीट के नीचे एक चैम्बर बना हुआ था बॉक्सनुमा, जिसमें एक पैकेट बरामद हुआ। उस पैकेट को खोलने से ऐसा प्रतीत हुआ कि उसमें ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ रखा हुआ है। कार में सवार दोनों व्यक्तियों से कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि वो ब्राउन शुगर लेकर आ रहे थे और उसे राजमहल की तरफ आकर बेचने वाले थे। धनबाद कोयलांचल में अपराधियों का मनोबल कम नहीं हो रहा है। अपराधी लूट की घटना को लगातार अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला कतरास थाना क्षेत्र का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने फ्लिपकार्ट पार्सल कर्मी से लूटपाट की और विरोध करने पर फ्लिपकार्ट पार्सल कर्मी से मारपीट भी की। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तीन लड़का था, वही हमको ओवरटेक करके रोका, बोला गाड़ी चाबी दो, गाड़ी चाबी नहीं दिए तो वही हमको बंदूक से पूरा मारने लगा। अज्ञात थे? हाँ, अज्ञात हमको नहीं जाना। वो लोग कौन सी गाड़ी? पल्सर गाड़ी। सिमडेगा से बड़ी खबर, जहां जंगली हाथियों का आतंक जारी है। जंगली हाथी ने एक शख्स को कुचल दिया है। हाथी के कुचलने से शख्स की मौत हो गई है। पुलिस और वन कर्मी मौके पर पहुंचे हैं। वन विभाग की तरफ से मृतक के परिजनों को मदद दी गई है, 10,000 रुपए की मदद की गई है। खबर जमशेदपुर से, जहां झुंड से बिछड़कर तीन हाथी पोटका पहुंच चुके हैं। मुसाबनी होते हुए तीनों हाथी पोटका प्रखंड के धोलाडीह के जंगलों में डेरा जमाए हुए हैं।
जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथियों को भगाने के लिए केवाटी की टीम को बुलाया गया। बताया जा रहा है कि 3 हाथियों के झुंड में एक बच्चा भी शामिल है। टीम तो जंगली हाथी पूरा भटक के आ गया है, पूरा गांव में दहशत फैला के रखा हुआ है। सुबह से लोग परेशान है, पूरा खेती खेती इसका जंगल उंगल, फिर गांव गांव में पूरा भटक रहा, पूरा गीतीलाता धोलाडी। अभी अभी हम लोग इधर जो गीतीलाता से इधर जो बस्ती है आपका चंगरा है, इधर अभी इधर चला गया। इधर का लोग पूरा परेशान, अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी 2 टीम आया हुआ है, वो लोग भी खोज रहा अभी तक, लेकिन पता नहीं चल रहा किस तरफ जा रहा। और 3 हाथी हम लोग सुबह देखे हैं, अभी कितना हाथी है पता नहीं चल रहा। और चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।